मंदसौर पुलिस की अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी है। थाना वाईडी नगर के द्वारा एक शेवरले बीट कार वाहन क्रमांक MP09CF6049 से 15 पेटी 135 लीटर राजस्थानी प्लेन प्रिंस शराब 36,000 रुपए कीमत की चलदू निवासी एक तस्कर के आधिपत्य से जब्त की गई है। एक सप्ताह में थाना वाईडी नगर की अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध दूसरी कार्यवाही है, जिसमें 3 दिवस पूर्व भी राजस्थानी प्लेन प्रिंस शराब के 175 क्वार्टर को जब्त किया गया था। कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी शराब तस्कर समेत समस्त आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। अवैध शराब पकड़ी है, कितनी पकड़ी और कहाँ से पकड़ी? कल रात को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक काले रंग की शेवरले बीट MP09CF6049 नंबर की गाड़ी में राजस्थान से शराब परिवहन की जा रही है। और चूंकि लॉकडाउन का समय था, सूचना की तस्दीक करते ये सूचना सही पाई गई और सूचना के आधार पर हमने गाड़ी की तलाशी ली। इसमें कमल चंद्रवंशी निवासी चलदू पकड़ा है, जिसके कब्जे से 15 पेटी प्रिंस जो राजस्थान की शराब है प्रिंस, उसके क्वार्टर की 15 पेटियां मिली है, जो लगभग 135 लीटर शराब है, जिसे विधिवत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत जब्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के पश्चात आज माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा और इसका पुलिस रिमांड दिया जाकर आगे की विवेचना की जाएगी। क्या न्यूज़ के लिए मंदसौर से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट।